नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना के बढ़ते नए मामले ने केंद्र और राज्य सरकारों को टेंशन में डाल दिया है। त्योहार सीजन को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट रहने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने होली, ईद, शबे बारात और ईस्टर पर भीड़ को रोकने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोरोना वायरस के नए मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य अतिरिक्त सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि होली, शबे बारात, बिहू, ईस्टर और ईद उल फितर के मौके पर सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर सख्त कदम उठा सकते हैं। वहीं गुजरात सरकार ने होली को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने कहा है कि होली परंपरागत रूप से सीमित रिवाजों के साथ मनाई जा सकती है। रंग वाले दिन, सार्वजनिक समारोह और भीड़ वाले इवेंट्स की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र के दो जिलों नांदेड़ और बीड़ में आज रात 12 बजे से 4 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है। जरूरी सामानों की दुकानें सुबह 7 बजे दोपहर 12 बजे तक खुलेगी। बीते 24 घंटे में कोरोना के 47,262 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो इस साल अब तक का सबसे बड़ी उछाल है। इससे पहले पिछले साल 12 नवंबर को 47,905 नए संक्रमण दर्ज किए गए थे। देश में लगातार 14वें दिन एक्टिव केस ठीक होने वाली मरीजों की संख्या से ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएल।